हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आज की वीडियो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग कंप्यूटर सीख सकते हैं, इसको इस वीडियो में जानकारी देने वाला गाइस। तो चलिए लेट स्टार्ट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करें और बेल घंटे को भी दबा दें गाइस, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर जा सके और आप वीडियो क्लिक करके देख सकें। तो चलिए लेट स्टार्ट, आज की वीडियो आप लोगों को कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज देने वाले हैं, तो जानकारी देंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों को विंडो के बारे में जानकारी देंगे। तो विंडो, नए विंडो आजकल आप लोग को मिल चुके हैं, जैसे कि विंडो, पहले विंडो 7 था, अब विंडो 10 आ गया है, विंडो 11 भी आ चुका है। लेकिन मैं आप लोग को विंडो जो 7 आया था उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा, जो कि अभी तक चल रहा है, कंप्यूटर वर्क करता है विंडो 7 पर, तो उसको जानकारी देंगे। तो चलिए लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जब विंडो के बारे में कुछ फीचर्स जानकारी देते हैं, जैसे कि विंडो के परिचय आपको बताने वाले हैं, तो कंप्यूटर के उद्देश्य बताएंगे, जैसे कि आप लोग विंडो में नए नए उन्नत फीचर्स के बारे में इस वीडियो में समझेंगे गाइस। साथ ही साथ आप लोग को विंडो को शुरू करना भी सीखेंगे, विंडो को हेल्प फीचर को भी उपयोग करना सीखेंगे, और साथ साथ गाइस विंडो 7 में लॉग ऑफ, रीस्टार्ट, शट डाउन करना भी सीखेंगे गाइस। तो चलिए लेट स्टार्ट, पहले जानते हैं कंप्यूटर के परिचय के बारे में जान लेते हैं गाइस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वह सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को संचालित करता है ताकि वह आपके कार्य कर सके, जैसे कि टाइपिंग, गेमिंग, खेलना, मूवी देखना, गाना सुनना और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। इसके अतिरिक्त आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक साथ कई कार्य को करने की सुविधा प्रदान करता है गाइस, साथ ही साथ आप लोग उदाहरण के लिए जब आप म्यूजिक सुन रहे हो तो उसी समय आप किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट को भी टाइप कर सकते हैं और कोई गणितीय सवालों को हल भी कर सकते हैं। आप म्यूजिक सुनते ही और भी काम कर सकते हैं जो कि विंडो पर ही संभव है, बजाय ऑपरेटिंग सिस्टम की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है जो कि विंडो 7 पर ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर सबसे लोकप्रिय है। आप जानते हैं विंडो के नए उन्नत फीचर के बारे में समझेंगे। तो विंडो 7 में विंडो पिछले वर्जन की तुलना में कई सारे नए फीचर्स शामिल किए गए हैं। जब आप विंडो 7 के साथ काम करेंगे तो आपको पाएंगे कि ओएस मल्टी पर्पज की शक्तिशाली है। इस भाग में आप हमें विंडो के 7 के पेश किए गए नए उन्नत फीचर को भी जानेंगे इसके अतिरिक्त आप यह भी सीख सकते हैं कि कैसे फीचर्स आपके कुशलतापूर्ण अपने काम करने की मदद कर सकता है। साथ ही साथ गाइस, तो आज की वीडियो आप लोग को विंडो 7 के नए फीचर्स के बारे में जानेंगे जो कि विंडो 10 और 11 में भी है, जैसे कि स्टार्ट करना, होम ग्रुप, जूम लिस्ट, विंडो सर्च, विंडो टास्क बार, डेस्कटॉप गैलरी और परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंट, प्ले टूल, लाइब्रेरी, इंटरनेट एक्सप्लोरर और एक्सनल सेंटर और डिवाइस मैनेजमेंट। तो पहले जानते हैं स्टार्ट करना, गेटिंग स्टार्ट फीचर्स विंडो 7 में शुरू करने के ऑप्शन की एक लिस्ट प्रदान करता है जो कि गेटिंग स्टार्ट मैनुअल में उपलब्ध ऑप्शन आपको विंडो के नए 7 दर्शन कराता है, जैसे कि विंडो 7 में सेटिंग को नियंत्रित कर सकते हैं, यूजर्स अकाउंट सेटिंग कर सकते हैं, परिचय करने की सुविधा देता है, इसे मैनुअल आप ऑपरेटिंग सेवा भी कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं गाइस। आप समझते हैं, होम ग्रुप के बारे में जान लेते हैं गाइस, और बने रहे वीडियो पर, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करें गाइस। अब हम बताते हैं आपको डेस्कटॉप गैलरी के बारे में। गैलरी तो आप जानते होंगे, मोबाइल पर भी गैलरी होता है जिससे आप फाइल, फोल्डर, फोटो, वीडियो सभी उसी गैलरी पर होता है। उसी तरीके से कंप्यूटर पर भी गैलरी होता है जिसकी सहायता से आप लोग गाइस कुछ फाइल, डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं गैलरी पर जाकर। अब हम समझने वाले हैं लाइब्रेरी जानते हैं जो कि एक लाइब्रेरी को समझ लेते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी फोल्डर नहीं होती परंतु कंप्यूटर पर ऐसी लोकेशन होती है जो कि फाइलों को लोकेशन में एक जगह संग्रह करती है जिसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। अब समझते हैं हम लोग गाइस
कुछ और भी फीचर के बारे में बताता हूँ, जैसे कि डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट फीचर्स डिवाइस को, स्टोरेज को, डिवाइसों को प्रिंट और अनेक प्रकार के जो डाटा होता है उसको सिक्योर करने के लिए डिवाइस को स्टोरेज में कंप्यूटर में लगाई जाती है, जिससे एक्सटर्नल डिवाइस को मैनेजमेंट करने की सहायता प्रदान करता है, जैसे कि प्रिंट, सेल फोन आदि। आप समझते हैं, कुछ और भी जानकारी लेते हैं, जैसे कि गाइस सिस्टम को लॉक ऑफ स्टार्ट शट डाउन करना। जब आप कंप्यूटर पर काम हो जाता है, जब आप कंप्यूटर पर कुछ काम कर लेते हैं, तब आपको कंप्यूटर को बंद करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा यदि आप अपने काम को कुछ देर के लिए आप रोक देते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, जैसे कि ब्रेक, कुछ देर के लिए ब्रेक चाहिए होता है, तो आप लॉक ऑफ करना चुन सकते हैं। कई बार कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिससे आपका ठीक नहीं कर पा रहे हैं, कंप्यूटर पर कुछ समस्या आ जाती है जिसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो सुधार नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। इससे हमेशा समस्या हल नहीं होती, लेकिन कभी कभी हो भी जाती है। आप समझने वाले हैं गाइस, विंडोज 7 की इंटरफेस एक्सप्लोरर के बारे में समझेंगे। जैसे कि आप परिचय में जान चुके होंगे, अब हम लोग कुछ और भी फीचर के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। इस वीडियो में पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटे को भी दबा देगा इस, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर जा सके और आप वीडियो को क्लिक करके देख सकेगा इस। तो दिखाते हैं, डेस्कटॉप प्रॉपर्टी को बदलना है। जैसे कि आप कंप्यूटर पर डेस्कटॉप पर विभिन्न प्रकार के तत्वों जैसे कि थीम, कलर्स को, साउंडों को, बैकग्राउंड को, डेस्कटॉप में आइकन्स को, स्क्रीन को सेव करने, कस्टमाइज करने के लिए, बदलाव करने के लिए, पर्सनल टास्क टच करने के लिए अलावा किस प्रकार के और भी दिया जाता है। डेस्कटॉप पर आप जब कंप्यूटर काम करते हैं गाइस, तो कंप्यूटर बहुत सारे फीचर होते हैं जिससे आप कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है उसका वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ फोटो ऐड कर सकते हैं, कुछ थीम डाल सकते हैं, कुछ म्यूजिक बदल सकते हैं और बहुत सारे कंप्यूटर पर आप जो आपसे बन सके वे काम कर सकते हैं कंप्यूटर पर गाइस। तो इस वीडियो में कुछ जानकारी मिला है कंप्यूटर से रिलेटेड, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को एंजॉय करते हैं, वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।